ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोका नंबर 53 कर रहे हैं। ये अध्याय चैप्टर का नाम है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड, हिंदी में बोलते हैं गीता का सार। तो मैं इसमें से एक श्लोक पढ़ूंगा, संस्कृत में है, फिर इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा रिपीट कर सकते हो आप? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्यसि। ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जाय। ट्रांसलेशन, यह ट्रांसलेशन है श्लोक का, जस्ट सिंपल मीनिंग है। व्हेन योर माइंड इज नो लॉन्गर डिस्टर्ब्ड बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास एंड व्हेन इट रिमेन्स फिक्स्ड इन ट्रांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन देन यू विल हैव अटेन्ड द डिवाइन कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नीति नामिनी। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिनी। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश थारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। ये श्लोक है, ये श्लोक में एक वर्ड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये श्लोक में एक वर्ड आता है समाधव। आप लोगों ने सुना होगा समाधि। समाधि का मतलब क्या है? अगर आपको एक जनरल सेंस में आपको समझना है समाधि, समाधि में है कोई तो आँख बंद करके कोई ध्यान लगा रहा है किसी पे, है ना? इतनी समझते ना, ठीक है, वो एक बात है। बट असली समाधि वो है जब हम जान जाते हैं कि हम लोग आत्मा है और हमें ये भी ज्ञान होता है कि भगवान है और आत्मा का और भगवान का संबंध है। और आत्मा कौन है, क्या संबंध है भगवान के साथ? जी मेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा भगवान के साथ संबंध है कि भगवान हमारे मास्टर है, हमारे बॉस, और हम उनके सर्वेंट हैं। तो सर्वेंट का काम क्या है? रिलेशनशिप है ना, सर्वेंट एंड मास्टर, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप है। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा। जब हम लोग वो सेवा में लग जाते हैं भगवान की, निरंतर सर्वेंट का एक ही काम रहता है, वो बैठा बैठ के समाधि नहीं करता है आंख बंद करके मास्टर के, भगवान मास्टर की सेवा में लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समाधि। जब हम लोग भगवान से संबंध जान जाते हैं हमारा, फिर हम लोग वो संबंध के अनुसार एक्ट करते हैं। वो जो एक्टिविटी है क्यों करते हैं? एक मास्टर, एक सर्वेंट मास्टर की सेवा क्यों करता है? सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉस है, एक सर्वेंट है, एक सर्वेंट अपने मास्टर की सेवा क्यों करता है? कुछ पाने के लिए, डेफिनेटली कुछ है जो सैलरी, आजकल तो बाहर सब सैलरी पे करते हैं। तो लेकिन एक ऑब्जेक्टिव है कि मास्टर खुश हो जाए हमारी सेवा से, वही तो चाहते हैं ना। जब हम किसी के अंडर रहते हैं और किसी की सेवा, सेवा का मतलब है नो एक्सपेक्टेशन। जॉब का मतलब है सैलरी, सेवा का मतलब है लव। माँ जो है अपने बच्चों का क्या करती है? जॉब करती है क्या माँ अपने घर पे? बच्चों का जॉब है मेरा, ये कि बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड है, तो मेरा ड्यूटी, ड्यूटी नहीं है, लव है। तो उसी तरह भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? लविंग सर्विस।
तो हम लोग क्या करते हैं, कोई इच्छा नहीं करते हैं, एक ही इच्छा है हमारे मन में जब भगवान से भगवान के लिए सेवा करते, क्या इच्छा है हमारी, कि भगवान खुश हो जाए। तो ये जो एक्टिविटी है जब हम लोग फुल भगवान की सेवा में मन को लगाते हैं उनकी संतुष्टि के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समाधि। ये नहीं कि बाहर जो समाधि है लगा के बैठे हैं भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, वो ठीक है एक लेवल में ठीक है, बट असली समाधि है जब सेवा में मन लगा के भगवान की भगवान की संतुष्टि के लिए काम। तो यहाँ ये श्लोक में वो शब्द आ रहे समाधि। तो भक्ति का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, जब तक हमको भगवान के साथ संबंध पता नहीं तो क्या करते हैं, जब आपको ये लाइफ मिल गया लेकिन आपको पता नहीं कि आप आत्मा हो, आपको ये भी पता नहीं कि कोई भगवान है, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, अरे आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करूं लाइफ का, तो आप क्या करते रहोगे, मैं एंजॉय करूंगा, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा बॉस कोई नहीं है, तो आप एंजॉय, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फिशनेस बोलते हैं। हम लोग खुद के लिए जब काम करते हैं ना, खुद के लिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो अच्छा लगा, मुझे वो खरीदना है, मुझे मेहनत करके फेमस बनना है, मुझे हीरो बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, ये सब किसके लिए, मेरे लिए। तो आप भागते रहते हो, भागने से क्या होता है, भाग भाग के आप थक जाते हो, क्योंकि आप जो इच्छा करते हो वो सब मिलता नहीं आपको, जब मिलता हो तो आप क्या करते हो, अच्छा लगता है, अरे ये मिल गया, वो मिलने से वो सेटिस्फाई होते हैं क्या, जो मिला उससे सेटिस्फाई नहीं होते, और चाहिए मुझे, जब थोड़ा मिलता है उसके पीछे उसे रुकते नहीं हो आप, लालच बढ़ जाता है, लालच जब आ जाता है ना मन में क्या होता है, लालची व्यक्ति कभी खुश हो सकता है क्या, लालच व्यक्ति का मन में क्या चलते रहती है, आग लगी रहती है, आग से जलते रहता है, वो सोता है तो भी सोचता है मुझे और, क्योंकि हमारा मास्टर कोई नहीं है, हम लोग खुद मास्टर बन गए और सेल्फिश बन गए। आपका फ्रेंड कोई है जो सेल्फिश है, उसको लाइक करते हो क्या आप, नहीं लाइक, कोई भी सेल्फिश व्यक्ति को। तो जब आत्मा, जब हम लोग ह्यूमन लाइफ में जब हमको भगवान का ज्ञान नहीं रहता है तो हम लोग सेल्फिश बन जाते हैं। ये भगवद गीता से हमको भगवान का नॉलेज मिलता है कि हम लोग आत्मा है। अभी आप लोग क्या सोच रहे हो, आप कौन हो, आप आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो हम लोग सोचा मैं बॉडी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इंडियन हूँ, मैं मेल हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक सन हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, पता नहीं क्या क्या अपने आप को आइडेंटिफाई करके भागते रहते हो, तो उससे कोई कुछ हैप्पी नहीं होता। मैंने एक एंगल में बोला कि जब आपको जो चाहिए वो मिला तो लालची, अगर आपको मिला नहीं जो चाहते तो क्या होता है आपके साथ, आपने कुछ ट्राई किया बहुत हार्ड मेहनत करके, भाग रहे हो चाहिए, लेकिन आपको मिला नहीं मेहनत करने के, तो क्या होता है आपके साथ, राइट, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा आ जाता है, गुस्सा अंदर गुस्से रखते हो और भाग उधर इधर गुस्से में, और गुस्से में क्या होता है, आदमी गुस्से में पागल हो जाता है, जब गुस्सा बढ़ जाता है तो पागल होकर मर्डर भी हो सकता है। आजकल टीवी में देख रहे हैं कि एक लड़का है, प्यार हो गया, लड़की ने बोला ना, तो लड़के ने क्या किया, उसको मार दिया, मर्डर कर दिया। आज मैंने न्यूज़ में देखा कि एक लड़के ने एक लड़की को 16 बार चाकू से खून कर दिया, 16 बार। 2 साल पहले की न्यूज़ है ये, बहुत नहीं, ये आज का न्यूज़ की बात करूँगा, आज का 2 साल पहले भी ऐसे हुआ था। आजकल कॉमन हो गए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है, वो सोचते हैं कि मैं बस एक हूँ, बस एक बॉडी हूँ, मुझे एक लाइफ मिला है, मुझे बस एंजॉय करना है, तो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, है नहीं, यही तो हो रहा है ना। तो भगवद गीता से भगवान हमको क्या दे रहे हैं, हमको नॉलेज दे रहे हैं, अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, और वर्ल्ड का नॉलेज भी दे रहे हैं। तो हम लोग उसके अनुसार अगर लिव करेंगे तो ये लालच से बचेंगे और क्रोध से बचेंगे, खुद सेफ रहेंगे। जब भगवान की सेवा करते रहेंगे तो जब एक सर्वेंट लव के साथ भगवान की सेवा करते तो उसको क्या मिलता है, क्या मिलता है, भगवान है और मैं सर्वेंट हूँ सोच के, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, आप खुश रहो, बस मेरी सेवा है आपके लिए, करते रहते तो आनंद आता है ना, कुछ नहीं, बस आप खुश रहो। माँ भी यही करती है ना, आप खुश रहो, आप कितने भी बड़े हो जाओ, माँ क्या बोलते है, तुम कैसे हो बेटा, कुछ करूँ क्या आपके लिए, वो प्यार है बस। आप जो भगवान और आत्मा का जो संबंध है ना, आप लाइफ में देखते हो कि माँ और बेटे के बीच में आता है, बाप भी ऐसे, फादर, लेकिन माँ का साथ बहुत डीप रहता है हमारा,
ठीक है ना, कभी भी लव करती है माँ, कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती आपसे, बस आपसे प्यार करती है, बस हमको यही समझना है कि ये, लेकिन ये जो वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप्स रहते हैं टेम्पररी रहते हैं, आपके मदर है आपके फादर आपके परमानेंट है क्या? नहीं, आप थोड़े दिन के बाद डेथ हो जाएगा उनका, आपको छोड़ना पड़ेगा। उनके पिताजी माता थे वो भी छूट गए, कई लोग थे पहले जो ग्रैंडफादर थे वो सब मर गए ना, ये सब टेम्पररी चल रहा है ना, लेकिन हमारा परमानेंट संबंध है भगवान के साथ जो कभी कट नहीं हो सकता। उनकी सेवा करने में हमको अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। यहाँ जो हम लोग रिलेशनशिप्स बनाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि ये अच्छा है, मैं बहुत मैं लव करता हूँ मेरे देश से मेरे फ्रेंड से, लेकिन ये टेम्पररी है। टेम्पररी में आपको ज़्यादा देर एन्जॉयमेंट मिलेगा नहीं, आपको कहीं ना कहीं ये जो एन्जॉयमेंट कट हो जाएगा, फिर आपको लगे अरे क्या हो गया, मैं तो इतना प्यार करता था, मुझे छोड़ के चली गई मेरी माँ, फिर आपको दुख होगा ना। तो ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रॉपर। जब आत्मा के लैंग्वेज में सोचोगे ना, आत्मा का कभी डेथ होता ही नहीं है, भगवान कभी भी रहते हैं। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है जो हमको जानना ज़रूरी है। जब हमको ये भगवान का संबंध जानना जानते हैं तो फिर भगवान से जुड़ जाते हैं। ये सब सृष्टि किसका है? भगवान का है ना। सबको किसने क्रिएट किया? भगवान। सब किसके बच्चे हैं? बस यही है। हम लोग सोचते हैं यही मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा दोस्त है। नहीं, हमारा ये सब टेम्पररी एक रोल है, लेकिन हमारे जो संबंध है भगवान से है, परमानेंट रिलेशनशिप है, परमानेंट है वो एकदम। तो ये परमानेंट रिलेशनशिप में आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगा। टेम्पररी में आपको, ये वर्ल्ड पूरा टेम्पररी चल रहा है, आपका बॉडी भी, आप यंग है, आप लोग यंग हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको क्या यही रहेगा क्या? आप अगर सोचोगे कि मैं बहुत खुश रहूँगा ऐसे रहूँगा, नहीं, आपको फोर्स करना पड़ेगा, कि आपको फोर्स किया जाएगा कि आपको बॉडी चेंज हो। आप 5-10 साल में आप बदल जाओगे, 10-20 साल में और बदल जाओगे, 30-40 साल बूढ़े हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे एक दिन। तो हम लोग ये टेम्पररी चीज़ से बहुत लव करते हैं ना, ये जो चीज़ आप लोग आपके बॉडी से लव करते हो ना, चेहरा देखते हो अरे मैं कितना स्मार्ट हूँ, और बाहर जाके दिखाते हो कि मैं स्मार्ट हूँ। हम लोग ये सब कुछ नहीं, स्मार्टनेस कुछ नहीं है, ये बस छोटा सा दिखावा है। जैसे कि आपने आज कुछ कपड़े पहने अच्छे लग रहे हैं, कल उतार दोगे ना कुछ और पहनना पड़ेगा, ये कपड़े पुराने भी हो जाएंगे ना। उसी तरह ये जो शरीर है ना, बॉडी, ये भी हमारा कपड़ा है। किसका कपड़ा है? आत्मा का कपड़ा है, अंदर आत्मा है। ये कपड़े अभी हमको मिला है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी, उससे पहले पता नहीं क्या बॉडी में थे हम लोग, कौन से कपड़े पहने। आपको पता है कौन से कपड़े में थे आप इससे पहले, ये बॉडी मिलने से पहले? आपको आइडिया है? आइडिया नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा आपका पता नहीं वो भी। इसलिए हमको ज़रूरी है कि ये पढ़ लें हम लोग, ताकि हम लोग फ्यूचर को सिक्योर कर सके, ताकि हम लोग गलत बॉडी में ना चले जाएं। आप चाहते हो कि आप कुछ डॉग बन जाए, या कोई मच्छर बन जाए, या कोई कीड़ा बन जाए, चाहते हो क्या? अगर हम लोग ये लाइफ में बहुत केयरफुली भगवान का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे ना, तो हम लोग क्या आगे ऊपर जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरह, जहाँ हम लोग को एक स्पेशल बॉडी मिलेगा, स्पिरिचुअल बॉडी, जहाँ हमको डेथ का फेस करना नहीं पड़ेगा, जहाँ हम ओल्ड नहीं होंगे, जहाँ हम लोग भगवान को फेस टू फेस देख पाते हैं। या आप देख पाओगे क्या भगवान को? नहीं, यहाँ तो आपको भगवद्गीता पढ़ के सुनना पड़ेगा भगवान के बाद। लेकिन जब आप इसमें, ये जो साइंस है ना, भगवद्गीता का साइंस में आप एडवांस करोगे ना, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब भगवान खड़े रहेंगे फेस टू फेस, देन द रियल फन बिगिन्स। प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद ने एक बार बोला था, व्हेन कृष्णा स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू देन द रियल फन बिगिन्स। यस, भगवान खुद सामने हैं तो सोचो क्या होगा। तो उसके लिए हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन चाहिए, मुझे भगवान को देखना। ऐसे आजकल बच्चे ऐसे पूछते हैं कि अगर कोई बीटेक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, खुद को बोलता है अरे तुम भगवान भगवान बोलते, दिखाओ भगवान, जैसे कि आइसक्रीम खिला, जैसे कि हम लोग जाके आइसक्रीम खरीदते हैं ना, जाके 10 रुपये आइसक्रीम दे दो, भगवान को दे दो, दिखा दो, ऐसा नहीं होता है। या ऑफकोर्स यू कैन सी गॉड, यू कैन टच गॉड, यू कैन मीट गॉड, यू कैन टॉक टू गॉड, यू कैन हग गॉड, यू कैन किस गॉड, यू कैन डू एवरीथिंग, बट you need to deserve it, you need to follow process,
देन यू विल बी क्वालिफाइड. ऐसे दिखाओ दिखाओ नहीं चलेगा. मोदी जी भी आपसे मिलेंगे नहीं. हटा चलो हटो यहाँ से. मोदी जी को आप मिल सकते हो क्या? नहीं मिल सकते आप. आपको क्वालिफिकेशन चाहिए. क्वालिफिकेशन आपको बहुत रिच होना पड़ेगा. तो फिर बोलेंगे वो फिर हम लोग को उनके असिस्टेंट से बात करना पड़ेगा. पर्सनल सेक्रेटरी. सेक्रेटरी बोलेगा तुम कौन हो कहाँ से आए हो? तो बोला मैं इधर गांव से. अरे यार चलो हटो. नहीं चलेगा. इसी तरह भगवान जो है पूरे वर्ल्ड के मास्टर है. उनको मिलने के लिए वी हैव टू बिकम क्वालिफाइड. वो क्वालिफिकेशन क्या है भगवद गीता में है. तो वी हैव टू कम टू द प्रोसेस. फॉलो द प्रोसेस. क्वालिफाई. देन यू कैन शेक हैंड विद गॉड. यू कैन सी गॉड. टॉक टू गॉड. यू कैन डू एवरीथिंग विद गॉड. एवरीथिंग इज ए पॉसिबिलिटी. ठीक है ना. तो ये जो श्लोक यहाँ सेकेंड चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जहाँ हम लोग यहाँ एक पॉइंट है कि हम लोग क्या कभी कभी ये हो जाता है कि बाहर लोग बात करते हैं स्वर्ग में चले जाओ स्वर्ग, या कोई बहुत रिच बन जाओ, पूजा पाठ करो तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे, तुम गौतम अदानी बन जाओगे, मुकेश अंबानी बन जाओगे, या बहुत खूबसूरत बन जाओगे अगले जन्म में, या स्वर्ग लोक चले जाओगे. ये भी है शास्त्रों में वर्णन. लेकिन हमको ये सब बनना नहीं है. ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं. ये वर्ल्ड पूरा टेम्पररी. भगवान बता रहे कि ये चीज़ों से अट्रैक्ट मत हो ना. भगवद्गीता जो शास्त्रों में वेदों में इनका भी वर्णन है. जब आप शास्त्रों में एंटर करते हो तो हर चीज़ है आपको. जैसे कि एक मॉल में जा रहे हो तो हर बहुत सारे दुकान है. आपको जाना है ऊपर, जो आपका जो भी है ऊपर जगह जहाँ जाना चाहते हो, डेस्टिनेशन गोल है. आप जा रहे ऊपर 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 गोल की तरफ, लेकिन बीच में क्या आ रहा है आपको? दुकानें हैं, खाने की चीज़ें हैं. आप देख रहे हो और अट्रैक्ट हो जा रहे हो. तो क्या होगा? आप सोचोगे कि मेरा डेस्टिनेशन पहुंच गया, अच्छा इधर, और वहाँ रुक जाओगे तो क्या होगा? मिसलीड हो, फिर आपका जो गोल मिस हो जाएगा. हमारा गोल है भगवान के पास. तो बीच में क्या रहेंगे? डिस्ट्रैक्शंस. तो वो डिस्ट्रैक्शन से बचना है भगवान बता रहे. जैसे कि कुछ भी हो सकता है डिस्ट्रैक्शन. एक एक का एक एक वीकनेस रहता है ना. एक का पैसा वीकनेस है, एक का नाम फेमस, एक का ब्यूटी है. तो हम लोग को बहुत केयरफुल रहना है और भगवान की तरफ बढ़ना है. क्योंकि भगवान के जो संबंध है हमारा वो बहुत स्वीट है. उससे हमको हैप्पीनेस, हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे. कोई और चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता. ठीक है ना. दैट्स इट फॉर टुडे. हरे कृष्णा. क्या श्री प्रभुपाद की जय.